हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सब कैसे हो। तो गाइस आज फिर दोबारा हम खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस आज का जो हमारा एपिसोड है ये 9th एपिसोड है। तो गाइस जिन्होंने पिछला हमारा प्रीवियस एपिसोड 8th एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ गाइस आप उस एपिसोड को जाके देखें, क्योंकि उस एपिसोड में हमने एक वायरस को डिस्ट्रॉय करा था, जिस वायरस को टेररिस्ट ने बनाया था। टेररिस्ट ने उस वायरस को लॉस सैंटोस के बंदों को ख़त्म करने के लिए बनाया था, तो उस वायरस को हमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करा था पिछले एपिसोड में। तो गाइस काफ़ी मस्त एपिसोड है, तो गाइस आप प्लीज़ उस एपिसोड को जाके देखें। तो गाइस आज की जो मिशन है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले तो मैं माइकल को कपड़े पहना देता हूँ। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने माइकल को कपड़े पहना दिए। तो गाइस आज हमें बहुत तगड़ा काम मिला है, क्योंकि अभी लेस्टर ने एक ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन दिया हमें। उसने बताया कि जो FIB के जो बंदे हैं वो मतलब इलीगली कुछ हमारे ऊपर कुछ एक्शन उठाना चाहते हैं। देखो गाइस, उन्होंने हमसे बहुत सारे काम तो करवा लिए पर अभी भी वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो लोग सोचते हैं कि अभी भी हम गलत काम करते हैं। तो गाइस अभी लेस्टर ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया, पता नहीं लेस्टर को कैसे पता चला। तो अच्छी बात है, उसको पता चल गया सही टाइम पे। जो FIB वाले जो बंदे, उन्होंने हमारे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया है, जिससे वो कोर्ट कोर्ट को दिखा के हमें जेल करवाएं, कोई भी सज़ा दे सकते हैं हमें। तो गाइस आज हमें बहुत तगड़ा मिशन है। आज हमें FIB का जो ऑफिस है, उस ऑफिस में लेस्टर ने बताया उसी ऑफिस में उस इन्फॉर्मेशन को रखा गया है। तो वो जो FIB का जो ऑफिस है उसके अंदर हम इतने आसानी से घुस नहीं सकते, तो हमें काफ़ी तगड़ी प्लानिंग बनानी पड़ेगी उसके अंदर घुसने के लिए। तो अभी लेस्टर ने हमें बताया, अभी उसने हमें प्लान बताया, तो मुझे अभी डिस्कस करने के लिए फ्रैंकलिन और ट्रैवर के पास जाना है। तो अभी ट्रैवर और फ्रैंकलिन अभी क्लब में, यहाँ पे पास में क्लब है, वो लोग वहाँ पे हैं। तो अभी मैं वहीं चलता हूँ, वहीं हमारी आगे की जो मीटिंग है होगी। तो लेट्स गो गाइस, मैं जल्दी से गाड़ी को चलाते हुए उस लोकेशन पर पहुँच जाता हूँ। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो अभी ट्रैवर भी आ चुका है, उसकी बाइक भी यहाँ पर खड़ी है। तो अभी मैं अभी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस आप देख सकते हो यही वो क्लब है जहाँ पर अभी ट्रैवर और फ्रैंकलिन मेरा वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं, लेट्स गो गाइस अंदर की तरफ। तो गाइस अभी ये पूछ रहा है कि तुम अंदर जा सकते हो, क्योंकि ये बंदे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे जो बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपल्स की ज़्यादातर एंट्री होती है, वैसे सिंगल बंदा नहीं आ सकता। तो अभी तो ये हमें जानता है, इसलिए हमें अंदर आने दिया इसने। तो अभी अंदर की तरफ चलते हैं। तो अभी इन्होंने यहाँ पे अपना अड्डा बना लिया है, क्योंकि ये ड्राइवर के जान पहचान के बंदे ये। अब पता नहीं ड्राइवर भी किन बंदों से बातचीत बनाता है पता नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर दारू वारू पी के फुल टुल हो रखा है, तो इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसे तो कोई भी काम दे दो कर लेगा। तो आप देख सकते हो फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ चुका है। तो देखते हैं क्या बात करनी है, क्या मीटिंग करनी है। तो मैं आपको आगे की प्लानिंग बताता हूँ। ओके गाइस, तो ये कह रहा है कि अभी ट्रैवर कह रहा है कि इसे लेस्टर ने बोला है कि अभी हमें प्लानिंग करना, प्लानिंग बहुत तगड़ी वाली करनी पड़ेगी। पहले तो मुझे FIB का जो ऑफिस है वहाँ पे यूनियन डिपॉजिटरी नाम का एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा हमें पहले। तो वहाँ से जाके हमें जो भी एंट्रेंस है और जो भी एग्ज़िट्स है उनकी फ़ोटोज़ लेनी पड़ेगी, जिससे हम जब यहाँ पे आए और हम आराम से एंट्री ले सके और आराम से एग्ज़िट ले सके। तो आप देख सकते हो यही वो जगह है जहाँ के हमें फ़ोटोज़ लेनी है। तो अभी देखते हैं, यही यहाँ पे अभी तक तो कोई आया नहीं है। ओके, तो हम आगे की तरफ चलते हैं, जो इसका एंट्रेंस है उस तरफ चलते हैं। ये तो एग्ज़िट है इसका। तो मैं गाइस आप देख सकते हो मैं एंट्रेंस की तरफ आ गया जहाँ से हमें एंट्री करनी है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो यही वो लोकेशन है जहाँ से हमें एंटर करना है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे गार्ड खड़ा है। तो गाइस यहाँ से तो एंटर करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमें कोई और ही प्लान बनाना पड़ेगा।
तो गाइस आप देख सकते हो अभी ड्राइवर के पास आ चुके, तो ड्राइवर यहाँ मुँह रहा है आराम से रोड के पास। ओके तो गाइस अभी लेस्टन ने हमें बताया कि हमें ना हेलीकॉप्टर लेकर जाना पड़ेगा और कोई लोकेशन देखना पड़ेगा जहाँ से हम एंटर और एग्ज़िट हो सके, क्योंकि अभी कार से ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो लेट्स गो गाइस अभी ड्राइवर के हेलीपैड वाले लोकेशन पर चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ट्रेन भी काफ़ी स्पीड में चल रही है। तो गाइस आप देख सकते हो मैं हेलीपैड पर पहुँच चुका हूँ। ये ड्राइवर का अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है तो उसने ख़रीदा था, तो काफ़ी काम की चीज़ ख़रीदी है इसने, तो अभी हमारे मिशंस में काम आ रहा है ये। ओके तो मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ और इसे जल्दी से लॉस सैंटोस लेकर जाता हूँ जहाँ पर हमें लोकेशन की फ़ोटोज़ लेनी है। ओके तो लेट्स गो गाइस मैं जल्दी से चलता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा हेलीकॉप्टर के व्यूज़ दिखा देता हूँ। ओके तो गाइस आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर के सारे व्यूज़, काफ़ी तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो ओके तो लेट्स गो गाइस मैं जल्दी से उस लोकेशन पर पहुँचाता हूँ। ये भाई टकराते रह गया हेलीकॉप्टर। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं अभी लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। तो अभी तो हमें उन ट्रक्स को देखना है जो यूनियन जो बिल्डिंग है वहाँ की तरफ जाती है। तो गाइस आप देख सकते हो यही वो दो ट्रक है, ये एग्ज़िट से एंटर होती है ट्रक्स। तो आप गाइस आप देख सकते हो अभी हमें इसका पीछा करना है ये कहाँ की तरफ जाएगी। ओके तो ये यहाँ की तरफ जा रही है। तो गाइस हमें ये देखना है कि कहाँ से ये ट्रक्स एंटर होगी, तो उसके हिसाब से हमें भी वो लोकेशन पर वहाँ से एंटर होना पड़ेगा। तो ओके तो गाइस आप देख सकते हो अभी ये ट्रक्स यहाँ को जा रही है, मैं इसका पीछा करता हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी गाइस आप देख सकते हो अभी लेस्टर कैमरा लेके खड़ा हुआ है, पूरा रिकॉर्डिंग करने में लगा हुआ है क्योंकि इसका दिमाग बहुत तेज है। प्लानिंग जो बनाता है कभी फेल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो भी आप लोग एपिसोड देखते हो तो उसमें लेस्टर ज़्यादातर प्लानिंग लेस्टर ही करता है, तो कोई भी प्लानिंग फेल नहीं होता, काफ़ी तगड़े प्लानिंग होते हैं उसके। तो गाइस आप देख सकते हो अभी यहाँ के जो बंदे कार्ड वार्ड दिखा रहे हैं। तो गाइस अभी हमें ये आई कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो लेस्टर ने कहा वो उसकी जुगाड़ कर देगा अगर इसके अंदर हमें एंटर होना है तो। तो ओके तो मैं अभी थोड़ा यहाँ पे फ़ोटोज़ ले लेता हूँ यहाँ के एंट्रेंस और यहाँ के एग्ज़िट्स की। ओके तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ का ये एंट्रेंस है। ओके ये एग्ज़िट है। यहाँ पे ऊपर की तरफ चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इतना तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ से, पहाड़ इतना थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा हेलीकॉप्टर को, नहीं तो ये टकरा जाएगा। यहाँ से थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, देखो गाइस ये टच होते होते यहाँ से रह गया। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं अभी हेलीपैड पर पहुँच चुका हूँ। ओके आराम से इसको खड़ी कर देता हूँ आराम से। ओके तो अभी लेस्टर कह रहा है कि ओके हमारा काम सही से हो गया, तो ज़्यादातर हमने डिटेल्स ले ली, तो इतनी डिटेल्स काफ़ी होगी प्लानिंग बनाने के लिए। ओके तो अभी लेस्टर कह रहा है कि तुम माइकल के पास चले जाओ, आगे की जो प्लानिंग है वो माइकल बताएगा। ओके तो गाइस अभी हम माइकल के पास आ चुके हैं, पता नहीं माइकल भी यहाँ पे पता नहीं क्या नशे करके बैठा हुआ है। ओके पता नहीं गाइस ये कोई दुख भरी कहानी सुना रहा है अभी ट्रेवर को, क्योंकि इनका एक पार्टनर था, तो जो आखिरी इनका जो रॉबरी हुआ था उसमें वो इनका जो पार्टनर था वो मारा गया था, उन्हें FIB वालों ने मार दिया था, तो इसलिए वो बता रहा माइकल ट्रेवर को कि अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा इनका बहुत ख़ास बंदा था। तो अभी माइकल बता रहा है कि अगर हम आगे ऐसे काम करेंगे तो हमें से किसी की भी जान जा सकती है। तो अभी ड्राइवर कह रहा है कि कोई ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
ट्रैवल तो फुल मज़े में रहता है हमेशा। ओके ओके तो गाइस अभी मैं लेस्टर के पास आ गया था। लेस्टर ने कहा है कि आगे की जो प्लानिंग है वो जो फाइनल प्लानिंग है वो हमें बताएगा। तो मैं अभी लेस्टर के पास आ चुका था और अभी लेस्टर कह रहा था कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो हम पहले जो हमने प्लानिंग बनाई थी उनको भी हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अभी ये कंटेनर्स में सारे प्लानिंग सारे फाइल सबको रखा हुआ है इसने, फ़ोटोज़, तो इन सबको जलाना पड़ेगा। तो अभी लेस्टर ने हमें बहुत तगड़ा प्लान बताया है। वो कह रहा है कि वहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है, तो उसने कैसे ना कैसे इसके लिए आई कार्ड तो बना लिया। तो इसे वहाँ पे जो एक तरह से साफ सफाई करने वाले कर्मचारी के कैरेक्टर बनकर जाना पड़ेगा, सुपरवाइज़र कह सकते हो एक तरह से, वहाँ पे जो साफ़ सफाई करता है तो वो काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक बंदे की ज़रूरत थी, तो इसलिए लेस्टर ने माइकल का उसका सारा रिज्यूमे डेट जो बायोडाटा सारा दे दिया था। तो अभी माइकल को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था, तो अभी माइकल को उस लोकेशन पर जाना है जिससे माइकल की आराम से एंट्री हो जाएगी। और माइकल को वहाँ पे जो स्टिकी बॉम्ब्स है वो प्लांट करके आना है। तो जो हमारी आगे की जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ा मेन हिस्सा है, तो वहाँ पे दो तीन जगहों पे मुझे स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हो माइकल का अलग ही स्टाइल है। ओके तो चलते हैं गाइस अभी उस FIB के बिल्डिंग में। ओके तो गाइस आप ये कार देख सकते हो, ये लेस्टर ने माइकल को गिफ्ट किया था, तो काफ़ी ख़तरनाक कार है। देख सकते हो काफ़ी भीड़ भी बहुत ख़तरनाक है। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें नाइट्रो भी निकल रहा है, तो इसको अभी भगाते भगाते ले जाता हूँ। वैसे इसको तो भगा कर ही ले जाऊँगा, क्योंकि गाइस ये एक रेस में ही इतनी स्पीड पकड़ लेते हैं, इसे कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो गाइस आप देख सकते हो मैं हल्की सी रेस दे रहा हूँ, काफ़ी स्पीड पकड़ रही है। ओके तो अभी फ्रैंकलिन का कॉल आ गया, इससे बात करते हैं। ओके तो अभी गाइस अभी फ्रैंकलिन कह रहा है कि वो और उसकी जो टीम है, हमारे टीम में तीन बंदे हैं, हमें मिला के टोटल चार बंदे हैं। तो अभी फ्रैंकलिन कह रहा है कि हम लोग भी रेडी हैं, क्योंकि अभी लेस्टर ने बहुत तगड़ा प्लान बनाया। उसने प्लानिंग बनाई कि जब माइकल बिल्डिंग्स में बम ब्लास्ट कर देगा, तो वो बम को ब्लास्ट करने के बाद हमें फायर ब्रिगेड में आना पड़ेगा यहाँ पे। तो फायर ब्रिगेड का जुगाड़ तो हमने पहले ही कर लिया था, तो हमें फायर ब्रिगेड लेके आना है कि इन सबको ये लगे कि हम फायर एजेंसी से आए हैं, हम आग को बुझाने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो हमारी आराम से यहाँ पे एंट्री भी हो जाएगी और हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हम आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। पर शर्त यही है कि ये पूरा बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगा एक ही बार में, क्योंकि सारे स्टिकी बॉम्ब्स को हम लगा देंगे तो जब ये ब्लास्ट होगा तो ये बिल्डिंग पूरा राख हो जाएगा। तो जैसे ही बिल्डिंग जलने लगेगा, क्योंकि माइकल को लेस्टर ने ऐसे ऐसे लोकेशन बताए जहाँ पे ब्लास्ट करने पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बिल्डिंग को, तो हम आराम से अपना काम कर लेंगे। और गाइस इस वाले मिशन में एक तगड़ा फ़ायदा भी होने वाला है, क्योंकि इधर बहुत सारे FIB मेंबर्स हैं जिनकी ब्लैक मनी भी कह सकते हो, तो उन्होंने यहाँ छुपा कर रखा है लॉकर्स में, तो हमें वो भी उनका भी बारे में पता चल जाएगा। तो उसमें काफ़ी पैसा भी मिलने वाला है इस मिशन में। ओके तो मुझे अभी यहाँ से पोछा उठाना पड़ेगा और पोछा मारना पड़ेगा कि इन्हें मेरे पे शक ना हो बिल्कुल भी। तो गाइस मेरे को बिल्कुल भी इन्हें ऐसे दिखाना है कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ। ओके तो मैं पहले तो यहाँ थोड़ा मुझे यहाँ पे एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो मैं अपना कार्ड लगा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो तो कितनी ख़तरनाक सिक्योरिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोछा लगाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी गंदगी है। ओके तो गाइस मैं पहले तो पोछे को गीला करता हूँ, तो यहाँ की तरफ पोछा मारता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ की तरफ पोछा मार दिया, यहाँ पे भी मार। तो गाइस आप देख सकते हो सामने की तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है, तो उसे शक तो नहीं हुआ, उसे ऐसे लग रहा है कि ये बंदा साफ़ सफाई करने ही आया है। तो मैं थोड़ा अच्छी तरह रगड़ रगड़ के मारता हूँ पोछा। ओके थोड़ा और पानी में डुबोता हूँ। देखो गाइस माइकल को भी क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं, तो घर पे तो कभी नहीं करता हुआ, यहाँ पे आके करना पड़ रहा है इसे। क्या करेगा गाइस, अपनी भी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास हमारे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अगर पुलिस वालों के हाथ लगे तो हमारे लिए रिस्क है।
क्योंकि पता नहीं i5 वाले कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, इन पे भरोसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो गाइज मैं अभी आगे की तरफ चलता हूँ, पहले तो मैं अपना बकेट यहाँ पे भी एक यही वो लोकेशन है गाइज, आप देख सकते हो मैंने एक बम लगा दिया है यहाँ पे। ओके तो मैं पहले तो बकेट उठा लेता हूँ और आगे की तरफ चलता हूँ, मुझे एक और बम को प्लांट करना पड़ेगा। तो गाइज आप देख सकते हो कितना खतरनाक बॉम्ब है वो, उसमें काउंटडाउन भी चल रहा है। ओके तो गो टू द नेक्स्ट रूम, तो मैं आगे वाले रूम में चलता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो इस बंदे को शक्ति नहीं हुआ बिल्कुल भी। ओके तो मैं आराम से आगे की तरफ चलता हूँ। ओके तो मुझे यहाँ पे भी साफ सफाई करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे भी साफ सफाई कर देता हूँ अच्छी तरह रगड़ रगड़ के। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बंदों को शक नहीं होना चाहिए। ओके प्लांट द बम इन द, ओके तो रेस्ट रूम, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी प्लांट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार वहाँ की तरफ जाकर चेक करता हूँ यहाँ पे कोई। ओ गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे दो बंदे खड़े थे। ओके तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ पे क्या है? ओके यहाँ पे तो शायद एंटर होने नहीं देंगे ये लोग, यहाँ पे तो बंद कर रखा उन्होंने रास्ता। ओके तो मैं उस रूम में चलता हूँ, यहाँ पे बाथरूम है, इसके अंदर मुझे लगाना है। ओके इसके अंदर चलते हैं। ओ भाई यहाँ पे तो एक बंदा पहले से ही खड़ा है, तो इसको पता नहीं चलना चाहिए हम किस लिए आए हैं। तो मैं यहाँ की तरफ लगा देता हूँ जल्दी से। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी प्लांट कर दिया, इस बंदे को तो बिल्कुल शक नहीं हुआ। ओके तो मैं अपने बकेट को उठा लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो अभी आपको समझ में आ रहा होगा हमारी प्लानिंग क्या है। तो अभी मैंने दो बम को लगा दिया, तो मैं इसको एक बार, तो मेरा काम यहाँ पर हो चुका है। तो मैं इन सबको जो भी पोछा और बकेट है इसको रूम में रख देता हूँ और यहाँ से मुझे एग्ज़िट होना है जल्दी से, इन्हें जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। और लेस्टर ने कहा था कि यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो उनको थोड़ी देर के लिए हैक कर देगा, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए वो उन कैमरा में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो लेस्टर दिखाना चाहता है वही उन कैमरा में दिखाई देगा, तो इन्होंने मेरा चेहरा भी नहीं देखा होगा। ओके तो मैं लिफ्ट में चलता हूँ, तो मुझे यहाँ से जल्दी से एग्ज़िट होना पड़ेगा। और एग्ज़िट होके मुझे फ्रैंकलिन को कॉल करना पड़ेगा, कि उसे बोलना पड़ेगा कि भाई जल्दी से अपने फायर ब्रिगेड लेकर आ जाओ, मैं बम को ब्लास्ट करने वाला हूँ। ओके तो लीव द बिल्डिंग, तो मैं जल्दी से यहाँ से बाहर जाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा है, इसने मेरे को बाहर ही टोका था, तो इसे मैंने जब कार्ड दिखाया था तभी इसने मुझे एंटर होने दिया था। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे FIB लिखा हुआ है, अभी तो FIB की बैंड बजाने का वक्त है। इन्होंने हमसे काफ़ी काम करवा लिया और अलग ही सीन कर रहे हैं हमारे साथ, हमने तो सोचा इनके हमारे साथ अच्छी दोस्ती हो गई। ओके तो मैंने अभी फ्रैंकलिन को कॉल करके बोल दिया, वो फायर ब्रिगेड लेकर आता ही होगा। ओके तो गाइस आप देख सकते हो अभी हमें फायर ब्रिगेड को लेकर जाना है सेफली उस लोकेशन पर। तो फायर ब्रिगेड को लेकर माइकल के पास चलते हैं, जिससे जल्दी से ड्रेस पहन ले, क्योंकि अभी हमें काफ़ी खतरनाक कह सकते हो आप, हम में से किसी की भी जान जा सकती है, क्योंकि हमें रिस्क लेकर उस आग के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे ऑक्सीजन गैस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके तो गाइज अभी देख सकते हो ये माइकल जल्दी से कपड़े पहनकर हम जल्दी से इस बम को ब्लास्ट करेंगे। ओके तो लेट्स गो गाइज, मैं उस लोकेशन पर जल्दी से चलता हूँ। यार यहाँ पे तो अलग ही ट्रैफिक हो रहा है। ओके तो मैं अभी बम को ब्लास्ट करता हूँ पहले, तो अभी देखता हूँ यहाँ पे मेरे फ़ोन में एक बटन है। ओके ओके तो गाइज मैंने अभी बटन को क्लिक कर दिया, तो गाइज आप देख सकते हो कितना तगड़ा सीन हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो ये जो हमने जहाँ जिस फ्लोर में लगाया है वही फ्लोर ब्लास्ट हुआ है। ओके तो लेट्स गो गाइज, अगर हम नीचे की तरफ बम को लगाते तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती थी, तो इसीलिए लेस्टर ने कहा सबसे टॉप वाले फ्लोर पर लगाना, जिससे बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो और तुम लोग आराम से चले जाओ उसके अंदर। ओके तो लेट्स गो गाइज, आप देख सकते हो अभी हमने पूरे ड्रेसअप कर लिया, तो इन लोगों में से किसी को भी शक नहीं होने वाला बिल्कुल भी हम किस लिए आए हैं यहाँ पर।
क्योंकि ये लोग तो यही सोचेंगे कि फायर सेफ्टी वाले लोग हैं, आग बुझाने के लिए आए हैं। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम चलते हैं। तो ये भी काफ़ी बेवकूफ़ लोग हैं, तो कोई ना, अभी इनको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लेट्स गो गाइस, अभी मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, हम सब रेडी होकर एकदम टिप टॉप बनकर आए। तो हमारे पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे हुए हैं, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो। आप गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे हर जगह पे धुआं धुआं हो रहा है। ओके, तो अभी जहाँ तक तो मुझे लग रहा है, हमें जो चीज़ चाहिए उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा। जो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स और दो तीन हार्ड ड्राइव्स हैं। ओके, तो लेट्स गो गाइस, अभी हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो मैं जल्दी से ऊपर की तरफ चलता हूँ। तो गाइस अभी लिफ्ट तो ख़राब है, यहाँ के ऊपर जाने वाले लिफ्ट तो ख़राब हो गए, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स गो गाइस, मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ। पता नहीं गाइस कितने फ्लोर चढ़ने पड़ेंगे, गाइस थक जाएंगे इतने फ्लोर चढ़ चढ़ के। तो 52 53। ओके, तो गाइस अभी यहाँ पे आ चुके हैं, 53 जो फ्लोर का नंबर है। ओके, तो लेट्स गो गाइस, मैं जल्दी से चलता हूँ। वैसे यहाँ पे तो अभी कोई आग लगी नहीं है ज़्यादा, तो मैं जल्दी से चलता हूँ। ओके, तो गाइस यही वो रूम है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितने तगड़े लॉक लगा रखे हैं, तो इसे मुझे ब्लास्ट ही करना पड़ेगा। तो मैं इसे ग्रेनेड फेंक कर ब्लास्ट करूँगा। ओके, तो मैं इसके पास एक ग्रेनेड फेंक देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, मैंने एक ग्रेनेड फेंक दिया, मैं थोड़ा दूर चले जाता हूँ। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो दरवाज़ा पूरा ब्लास्ट हो चुका है। तो मैं जल्दी से अंदर जाके उन डॉक्यूमेंट्स को और हार्ड ड्राइव्स को ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो, हमने आराम से उस हार्ड ड्राइव को ले लिया। ओके, जिसमें हमारे सारे सीक्रेट्स थे। अब पता नहीं FI वाले हमारा कुछ भी बाल भी उखाड़े नहीं पाएंगे। तो लेट्स गो गाइस, अभी जल्दी से चलते हैं। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो, अभी हमें इस बिल्डिंग में से एग्ज़िट लेना है। तो अभी माइकल कह रहा है कि बिल्डिंग में काफ़ी आग लग चुकी है, तो हमें देखकर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम में से किसी को भी नुकसान हो सकता है। ओके, ओ भाई गाइस आप देख सकते हो, पूरी सीढ़ी ढल गई। अब तो गाइस बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना, अब तो कोई और रास्ते से जाना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स गो गाइस, अभी माइकल के पीछे पीछे चलते हैं। जल्दी से मैं चलता हूँ, यहाँ से एग्ज़िट कैसे भी करके एग्ज़िट लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ की तरफ कोई रास्ता है क्या? ओके, तो ये रास्ता पूरा ब्लास्ट हो गया। ओ भाई यहाँ पे तो बहुत तगड़ा है, आग लगा हुआ है। तो गाइस अभी हमें यहाँ से पता नहीं कैसे निकलेंगे, हम यहाँ से देखकर जाना पड़ेगा एकदम। ओ भाई गाइस, हमारे एक बंदा वहाँ पे घायल हो गया। ओ भाई, तो गाइस आप देख सकते हो बेचारा मर गया, क्या कर सकते हैं गाइस, इस बंदे की कुर्बानी याद रहेगी। अब क्या कर सकते, इसे बचा तो सकते नहीं है। तो गाइस हम जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बोला था, ये मिशन बहुत रिस्की होने वाला है, हमें से किसी की भी जान जा सकती है। तो गाइस आपने देखा हमारा एक बंदा पार्टनर जो मर गया बम ब्लास्ट होने की वजह से। ओके, लेट्स गो गाइस, अभी हम जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस इन कामों में काफ़ी रिस्क होता है, तो गाइस अब क्या कर सकते हैं, रिस्क को लेकर चलेंगे तभी काम कर सकते हैं हम। तो लेट्स गो गाइस, अभी ये पूरा, ओ भाई यहाँ पे तो बहुत तगड़ा एक सीन है, तो हमें यहाँ से कूद कर जाना पड़ेगा। आप्टी यहाँ से गायब हो गया, तो मैं जल्दी से कूद कूद कर नीचे को जाता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ से कूद कूद कर जाना है, देख कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से आप देख सकते हो कितने सामान गिर रहे हैं। ओ भाई भाई जल्दी जल्दी, ओ भाई लगते लगते रह गया वो सामान। ओके, तो कहीं देख सकते हो भाई बच गया दोबारा। भाई बिल्कुल भी गलती हुई तो सीधा मरूंगा, देख सकते हो गाइस ऊपर से क्या क्या गिर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो, मैं सेफली इस लोकेशन पर आ चुका हूँ, तो अभी हम तीनों सेफ हैं। लेट्स गो गाइस, मैं जल्दी से चलता हूँ। ओके, तो गाइस हम फाइनली यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर तक। तो यहाँ से हम आराम से एग्ज़िट ले सकते हैं। तो मैं जो अभी ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ की तरफ। ओके गाइस, आप देख सकते हो हम एकदम ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच चुके थे। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो अभी सेफली हम लोग बाहर आ चुके हैं, और हमारा ये वाला जो मिशन है ये भी पूरा हो चुका है। जो हमें चीज़ें चाहिए थी हमने आराम से ले लिया। पर गाइस हमारा एक बंदा मारा गया, इसका बहुत ज़्यादा दुख है।
क्या कर सकते हैं गाइस। लेट्स गो गाइस, जल्दी से चलता हूँ मैं इस लोकेशन से। तो गाइस अभी लेस्टर का कॉल आया था, वो कह रहा था सबसे पहले तो तुम्हें इस एम्बुलेंस को ब्लास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर के जो सीसीटीवी है उसमें ये पूरा एम्बुलेंस रिकॉर्ड हो चुका है। तो अगर पुलिस वालों ने इसके बारे में कुछ पूछा तो उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि इस एम्बुलेंस को हमने चुराया था, तो उन्हें उन्हें पता हो जाएगा, शक हो जाएगा उन्हें। तो हमें इसे ब्लास्ट करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि मैं आपको सारे मिशंस में बताता आया हूँ कि हमें पूरे सबूत को मिटा देना चाहिए जिससे किसी को शक ना हो हमारे ऊपर। तो मैं इसे जल्दी से ब्लास्ट कर देता हूँ नेट डालकर। तो कैसे आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर नेट डाल दिया, तो ये पूरा ब्लास्ट हो चुका है। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम चलते हैं गाड़ी की तरफ। ओके, तो अभी हमें लेस्टर के पास जाना है, तो लेस्टर के पास चलते हैं और इसे ये हार्ड ड्राइव देते हैं जिससे वो इसके अंदर जो हमारे सीक्रेट्स है और सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो एफआईपी के जो बंदे हैं उनके जो ब्लैक मनीज है उनको अपने अकाउंट में डाल सके आराम से हैक कर कर। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो मैं गाड़ी भगाते भगाते लेस्टर के घर पर आ चुका हूँ। ओके, तो गाइस आप ये बंदा चले गया, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो माइकल काफ़ी खुश लग रहा है। तो ओके गाइस, इस एपिसोड को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइस आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक पूरे एपिसोड को देखा। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी हमारे एपिसोड्स को देखते तो प्लीज़ गाइस इन एपिसोडों को लाइक कर दिया करो। आपके एक एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो को बनाने में। और जो बंदे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है देखने में, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें जिनको GTA 5 के गेम प्ले अच्छा लगता है। ओके गाइस, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी खुश लग रहे हैं ये लोग।